हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर। गाइस, आपकी ये क्लास है आज एंटोमोलॉजी की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिट्रस के इंसेक्ट्स और पेस्ट। सिट्रस यानी कि खट्टे फ्रूट्स, जैसे आपका संतरा है, मौसम्बी है, माल्टा है, ये सब आपके सिट्रस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेमन्स हैं, ये सब आपका सिट्रस फ्रूट में आता है। तो सिट्रस फ्रूट की जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है एंड काफ़ी मेजर जो पेस्ट हैं इस पर आते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दीज पेस्ट वी विल लर्न इन दीज क्लास। जी विवेक, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। गाइज, आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही साथ अड्डा 24/7 की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, टाइप करना है ADDA247। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको कैटेगरी चूज करनी है किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वहां पर आपको चूज करना है एग्रीकल्चर, IAS, SSC, बहुत सारे बैंक, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ से आपको एग्रीकल्चर चूज़ करना है। देन आपको एग्रीकल्चर सेक्शन दिखेगा, जिसमें डेली क्विज भी मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मिलेगा एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। साथ ही साथ जो भी आपके बैचेस हैं उनकी फीस भी आपको ऐप आप पर कम मिलती है, क्योंकि जब आप ऐप यूज़ करते हैं तो आपको कॉइन्स मिलते हैं एंड उन कॉइन्स को आप यूज़ करते सकते हैं जब भी आप किसी भी बैच में एनरोल करेंगे। तो आपको मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट अदर देन द कूपन कोड, जो भी हम कूपन कोड बताते हैं आपको, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास, जिसमें हम सिट्रस के इंसेक्ट्स और पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सिट्रस इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप। सिट्रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है फ्रॉम FCI पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं कहूँगी, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट क्रॉप्स आपको यहाँ पर नहीं कवर करवा रही हूँ, क्योंकि हम जो देखेंगे कि FCI में क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली तो FCI में आपके ये जो वीट, राइस, इस तरीके की क्रॉप्स आएंगी जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, लेकिन मेजर मेजर एक दो हमें फ्रूट क्रॉप्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैंशनड कहीं भी नहीं है कि आपको ये क्रॉप करनी है और ये क्रॉप नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ मैंगो और बनाना ही किया है। सिट्रस एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, आप सभी को पता है, लेमन, माल्टा, मौसम्बी, किन्नू, ऑरेंज, स्वीट लाइम, बहुत कुछ है जो आपकी सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए आज हम सिट्रस के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके जो पहला पेस्ट है वो है सिट्रस बटरफ्लाई। खूबसूरत है ये बटरफ्लाई, तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसका कैटरपिलर, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कैटरपिलर, क्योंकि इसका जो कैटरपिलर होता है हेमेंद्र, एक्चुअली वो बात है, तुमने तो मन की बात छीन ली है भाई। आई वॉज थिंकिंग कि इस बार संडे तक MCQs प्रैक्टिस करवाऊँ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के, सो प्रोबेबली आई विल नॉट प्रोमिस बट प्रोबेबली संडे को आप लोगों का एक स्पेशल सेशन लेंगे, जिसमें आपका पिछला एक क्वेश्चन पेपर पूरा हम सॉल्व करेंगे FCI का। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया हो भाई क्या कुछ आने वाला है। राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को कितना डीप पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एंटोमोलॉजी तो मैंने डीप ही डीप पढ़वा दी है भाई आपको, अगर मेरी क्लासेस अटेंड की है, एंटोमोलॉजी की चिंता तो करना मत। राइट, सिट्रस बटरफ्लाई की बात करते हैं, तो सिट्रस बटरफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैपिलियो डिमोलियस। ठीक है, तो पैपिलियो डिमोलियस जो है, आपने ये बटरफ्लाई देखी होगी अपने आसपास कहीं ना कहीं, है ना, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पर इस तरीके के व्हाइट या घिया कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये सिट्रस बटरफ्लाई है। और अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने इंसेक्ट्स को कलेक्ट भी किया होगा अपनी BSc में, और उसमें हम जनरली सारे बच्चे क्या कोशिश करते थे, बटरफ्लाई मिल जाए ताकि बॉक्स थोड़ा सुंदर सा लगे, सजा हुआ सा लगे, है ना। सो ये बटरफ्लाई का नाम क्या है, ये है पैपिलियो डिमोलियस। पैपिलियो है तो पैपिलियोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, लैपिडॉप्टरा इसका ऑर्डर है।
आजकल मेरी स्लिप ऑफ टंग कुछ ज्यादा ही होने लगी। दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ सिट्रस सीडलिंग्स। जनरली ये सिट्रस सीडलिंग्स पर फीड करती है, सिट्रस ट्री पर कम आती है। दिस पेस्ट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बर्मा, बांग्लादेश, श्रीनगर, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इन्फेस्ट ऑलमोस्ट ऑल सिट्रस वेराइटीज, लेकिन माल्टा इसका फेवरेट होस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। हाँ, वेरी गुड हेमेंद्र। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपका बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान रीजन में आपको पाएंगी और सभी सिट्रस फ्रूट्स पर आती है, लेकिन माल्टा इसका वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है। ठीक है जी विवेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि जब ये हमारी क्रॉप पर आती है तो क्या कुछ करके जाती है। द कैटरपिलर्स फीड वेरी वोरेशियसली ऑन टेंडर लीव्स राइट अप टू द मिड रिब्स एंड डिफोलिएट द सीडलिंग्स। अर्थात ये क्या करता है, ये कैटरपिलर जो है मिड रिब तक आपके पूरे लीफ लामिना को खा जाता है। ठीक है जी विवेक, आज संदीप सर की क्लास नहीं हुई है, इज ऑन लीव। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लीफ स्ट्रक्चर है। तो ये जहां तक मिडरिब है, मिडरिब जहां तक आती है वहां तक ये आपका इंसेक्ट फीड करता है, मिडरिब पे आके छोड़ देता है। इसको मिडरिब खाना पसंद नहीं है, हार्ड होती होगी, नहीं अच्छा लगता होगा। लेकिन जब सीडलिंग स्टेज पर इसका इन्फेस्टेशन ज्यादा होगा तो इसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स हैं वो सूखने लगते हैं, डिफोलिएट होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और जनरली जो है ये सिर्फ मिडरिब पीछे छोड़ देता है, बाकी पूरी लीफ को खा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली सिम्टम्स है कि मिडरिब छोड़ देगा, पूरी की पूरी लीफ खा जाएगा। जनरली ये जो आपकी बटरफ्लाई है, सिट्रस बटरफ्लाई, इसकी कैटरपिलर स्टेज ही जो है खतरनाक होती है, अडल्ट कभी खतरनाक नहीं होता। और ये जनरली आपके सीडलिंग स्टेज पर आती है, ट्रीज पर कम आती है। जी विनोद, हेलो एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हम इस सिट्रस बटरफ्लाई का मैनेजमेंट करेंगे? स्प्रेइंग ऑफ मोनोक्रोटोफोस 1.6 ml पर लीटर और डाइक्लोरोवोस 1 ml पर लीटर और मिथाइल पैराथियोन 2 ml पर लीटर व्हेन द कैटरपिलर्स आर स्मॉल, यू कैन यूज BT फॉर्मुलेशंस। BT कॉटन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो वही BT फॉर्मुलेशन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस की फॉर्मुलेशन आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लैपिडोप्टरन इंसेक्ट है, ये भी उससे कंट्रोल में आ जाएगा। केमिकल्स के लिए आप इसमें मोनोक्रोटोफोस, मिथाइल पैराथियोन या फिर डाइक्लोरोवोस का यूज कर सकते हैं टू मैनेज दिस इंसेक्ट, यानी कि इस इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए आप ये सारे केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम मैनेजमेंट में? इन स्मॉल ऑर्किड्स और नर्सरी विद माइल्ड इन्फेस्टेशन, हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑन द पेस्ट। साथ ही साथ आप जो है क्या करेंगे, जिन भी लीव्स पर या स्टेम पर इसका इन्फेस्टेशन हुआ है उसे काट दीजिए और उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दिस इज फॉर जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो तो कर सकते हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग वाले ये काम नहीं कर सकते। देन यू हैव एग पैरासिटॉइड, लार्वल पैरासिटॉइड एंड प्यूपल पैरासिटॉइड एज बायो कंट्रोल्स। भाई FCI पॉइंट ऑफ व्यू से बायो कंट्रोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, FCI पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बायो कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे अपना बॉटनी जूलॉजी का पार्ट लगा लो, चाहे एंटो का पार्ट लगा लो, लेकिन बायो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। तो आपके कुछ एग पैरासिटॉइड्स हैं। एग पैरासिटॉइड्स का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म इसके इंसेक्ट के एग पर फीड करता है, एग का पैरासाइट है, एग पैरासिटॉइड्स, राइट? ट्राइकोग्रामा इवेंसिस या टेलोनोमस स्पीशी को यूज कर सकते हैं फॉर एग पैरासिटॉइड। ठीक है, ट्राइकोग्रामा आपका फेमस स्पीशी है विच इज यूज इन ऑल बायो कंट्रोल्स, राइट? देन यू हैव लार्वल पैरासिटॉइड्स, जैसे कि ब्रैकिमेरिया है और डिस्टाट्रिक्स पैपिलियोनिस है,
तो ये क्या है, ये आपके लार्वल पैरासिटॉइड्स हैं, साथ ही साथ प्यूपल पैरासिटॉइड्स भी हैं, जैसा कि टेरोलिस स्पीशी। तो ये क्या है, प्यूपल पैरासिटॉइड है, यानी कि ये प्यूपल स्टेज पर एक्ट करती है। तो डिफरेंट स्टेजेस पर इसके डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स मौजूद हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल इसका किया जा सकता है। देन यू हैव सिट्रस फ्रूट सकिंग मोथ। सो द फ्रूट, आपकी ऑरेंज का फ्रूट कैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, तो फ्रूट सकिंग जो मोथ है उसमें ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। दिस इज सिट्रस फ्रूट सकिंग मोथ, ठीक है। यूडोसिमिया मेटर्ना इसका नाम है ना, जैसे लड़के डायलॉग मारते हैं ना, मैं भाई है इधर का, सो शी इज द मेटर्ना मदर ऑफ हेयर, राइट। सो यूडोसिमा मेटर्ना इसका नाम है, नॉक्टुडी फैमिली से बिलोंग करती है, लैपिडॉप्टरा इसका ऑर्डर है, ठीक है। नॉक्टुडी फैमिली से और कौन कौन बिलोंग करता है, फटाफट बताओ, आप लोगों को फटाफट से पता है, इतना तो मैंने रटवा दिया है ना। नॉक्टुडी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, स्पोडिप्टेरा लिट्यूरा, ये आपके नॉक्टुडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसी से आपका जो है सिट्रस फ्रूट सकिंग मोथ बिलोंग करता है। द पेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपाइंस, हवाई, थाईलैंड एसेट्रा, इन कंट्रीज में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नहीं, ये रटने नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किन स्पेसेस में इसका अटैक जो है ज़्यादा होता है। बिसाइड सिट्रस इट ऑल्सो अटैक्स ग्रेप्स, कैस्टर, एप्पल, बेर, पोमोग्रेनेट, गवावा, यानी कि सिट्रस के अलावा ये काफ़ी सारी फ्रूट क्रॉप्स पर आता है। ग्रेप्स पर भी आता है, एप्पल पर भी आता है, कैस्टर पर भी आता है, पोमोग्रेनेट पर भी आता है, गवावा यानी कि अमरूद पर भी आता है, राइट। तो ये क्या होगा, पॉलीफेगस, क्या होगा, पॉलीफेगस होगा, क्योंकि ये काफी सारी क्रॉप्स पर फीड करता है। सिम्टम्स क्या है, अरेकिया जनता मोथ ऑल्सो सक्स द जूस फ्रॉम द अनराइप फ्रूट्स एंड डैमेजेस द रिजल्ट्स इन प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग एंड रोटिंग ऑन द फ्रूट साइड। तो ये क्या करता है, ये फ्रूट से उसका जूस सक करता है, क्योंकि उस पर इंजरी हो जाती है तो उसमें जो है रोटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ से वो फीड करना शुरू करता है, गलना हो जाता है फ्रूट शुरू, और प्री मेच्योर ड्रॉपिंग हो जाती है, फ्रूट मेच्योर होने से पहले ही जमीन पर गिरने लगते हैं, प्री मेच्योर ड्रॉपिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, किसकी वजह से हैं, फ्रूट सकिंग मोथ की वजह से सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये ऑरेंज यहाँ दिख रही है ना, देखो यहाँ से गलना शुरू हो गई है, इसमें रोटिंग शुरू हो गई है, दैट इज ड्यू टू फ्रूट सकिंग मोथ। मैनेजमेंट कैसे इसको हम मैनेज करें, इसके एडल्ट जो है हाईली फोटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक का मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो वन फ्लोरोसेंस लाइट आप जो है लगा सकते हैं रात के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि जब तक अंधेरा होता है बेट्स के पास। तो आपने जहर मिला के इसके खाने में रख दिया है और इसको अट्रैक्ट करने के लिए लाइट भी लगा दी है, ये लाइट की तरफ दौड़ा दौड़ा आएगा, फिर देखेगा अरे वाह यहाँ तो खाना भी रखा है लाइट के साथ साथ, सोने पे सुहागा हो गया है, खाना खाएगा काम खत्म, मर जाएगा, ठीक है। सो वी ह्यूमन बींग्स आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग्स टू देम, बेचारे को रॉन्ग होप्स दे रहे हैं हम लोग, बट क्या करें, करना पड़ता है, हमारे भी पापी पेट का सवाल है, वरना हमारे फ्रूट्स खा जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, बेट में क्या क्या डालता है, मैलाथियन डालता है, फ्रूट पल्प डालता है, क्योंकि फ्रूट पर फीड करती है तो पल्प तो डालना पड़ेगा ताकि इसको अच्छा लगे, है ना, और थोड़ा सा और शुगर वुगर ऐड कर दिया है, सजा दिया उसको बिल्कुल बेट को। साथ ही साथ आप पॉलिथीन कवर से बैगिंग कर सकते हैं, बैगिंग यानी कि जो डेवलपिंग फ्रूट्स हैं उन पर हम कवर चढ़ा दें। अब भाई ये पॉसिबल तो है नहीं, सीरियसली आपके घर के आंगन में अगर एक पौधा लगा हुआ है, 10 फ्रूट 20 फ्रूट उस पर आ रहे हैं, तो आप बैगिंग कर सकते हैं, पर क्या आप 2 एकड़ 10 एकड़ में बैगिंग करने घूमेंगे, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली फिजिबल, बट ठीक है दिया है तो एक बार तो पढ़ेंगी। तो आप फ्रूट के ऊपर
आपके बटर पेपर के बैग्स होते हैं वो चढ़ा सकते हैं। क्रिएटिंग स्मोक्स इन ऑर्किड्स आफ्टर सनसेट टू कीप द पेस्ट अवे विच इज ऑल्सो रैदर लेबोरियस, ठीक है। और आप पूरे फील्ड में स्मोक क्रिएट कर सकते हैं शाम के टाइम में, धुएं से इसको परेशानी होती है और ये आपका फील्ड छोड़कर भाग जाती है, ठीक है। लेकिन अगेन दिल्ली के आसपास के एरिया में ना करें, पहले ही बहुत पॉल्यूशन हो रही है, पहले ही भाई मत जलाओ क्रॉप, मत जलाओ क्रॉप के नारे लग रहे हैं, कहीं कह दो मीनाक्षी मैम ने कहा था स्मोक कर दो मौत चली जाएगी, है तो मेरा नाम लग जाएगा, मेरे को जेल हो जाएगी। तो दिल्ली के आसपास के एरिया में ऐसा कुछ ना करें भाई, राइट। नहीं बच्चे, जहां फेरोमोन्स वर्क करते हैं वहां फेरोमोन्स आपकी कल्चरल प्रैक्टिस में मैं बता देती हूँ कि इसमें फेरोमोन ट्रैप्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें फेरोमोन ट्रैप्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग द फेरोमोन ट्रैप्स हियर, राइट। अगेन आपका फिर आता है सिट्रस लीफ माइनर। सिट्रस लीफ माइनर का नाम है फाइलोकाइनेटिस सिट्रेला, फाइलोकाइनेटिस सिट्रेला, जो कि ग्रैसिलैरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और लैपिडोप्टराइस का ऑर्डर है, ठीक है, ग्रैसिलैरिडी फैमिली से। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका। इट अटैक्स ऑल स्पीशीज ऑफ द सिट्रस बट प्रिफर्ड वंस आर स्वीट ऑरेंजेस। करती तो सभी पर अटैक है पर वैसे स्वीट ऑरेंजेस पसंद है ना, वैसे तो सब कुछ खा लेता हूँ लेकिन मुझे ये वाला फ्लेवर ज्यादा पसंद है, होता है ना, तो इसको जो है स्वीट ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है। बाकी सारे सिट्रस फ्रूट पर ये लीफ माइनर आपको देखने को मिलेगा। माइनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैलरीज बनाता है लीफ में, माइन करता है ऐसे, ठीक है। व्हाइट व्हाइट सिल्वर कलर की गैलरीज आपको दिख रही है लीफ पर, इस तरीके की डैमेजिंग सिम्टम्स ये कॉज करता है सिट्रस लीफ माइनर, ठीक है। द टाइनी रेड एपोडस लार्वे, लार्वा जो है इसका छोटा सा रेड कलर का लार्वा है वो माइन करता है अंदर लीफ में, इन बिटवीन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ इन zigzag मैनर, zigzag मैनर में जाता है। देखिए आपकी गैलरीज कैसी बन रही है, इस तरीके से बन रही है ना, zigzag मैनर में बन रही है। एंड फीड्स ऑन द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल खाता है, जिसके कारण आपकी लीफ लैमिना जो है डिस्टोर्टेड होती है और आपको व्हाइट सिल्वर कलर की गैलरीज अपनी लीफ पर दिखाई देती हैं ड्यू टू सिट्रस लीफ माइनर भाई, ठीक है। तो इस तरीके की गैलरीज आपको इसमें दिखाई देंगी। मैनेजमेंट कैसे करें, प्रूनिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स ड्यूरिंग विंटर एंड बर्निंग, ठीक है। विंटर सर्दियों के समय अपने पेड़ का अच्छा काट छाट करें, इसमें प्रूनिंग करें, जो भी डैमेज ब्रांचेस दिख रही हैं, पार्ट दिख रहे हैं, उनको काट कर फेंक दें और जो है जला दें। स्प्रेइंग ऑफ नीम केक, नीम केक का यूज़ कर सकते हैं, 5% नीम केक सॉल्यूशन, नीम ऑयल सॉल्यूशन और मोनोक्रोटोफोस डाइमिथोवेट इमिडाक्लोप्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नीम से ये बस में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक हो जाएगा सब कुछ। नहीं कंट्रोल होता है नीम से तो आप इसमें मोनोक्रोटोफोस डाइमिथोवेट या फिर इमिडाक्लोप्रिड का यूज कर सकते हैं। फ्लश टाइम जो है इसका जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी तक रहता है, यानी कि ये ज्यादा इन्फेस्टेशन कब करता है आपकी फील्ड में, जून से जनवरी तक, ठंडे वाले मौसम में ज्यादा इन्फेस्टेशन, नहीं गर्म वाले मौसम में ज्यादा इन्फेस्टेशन करता है। तो ठंडे वाले मौसम यानी कि विंटर में पहले ही अच्छे से प्रूनिंग व्रूनिंग कर दीजिए ताकि अगली बार अटैक थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो जून से लेकर जनवरी तक इसका अटैक जो है ज्यादा देखा जाता है। तो इसी के साथ आपके जो सिट्रस के मेजर पेस्ट थे, तीन मेजर पेस्ट, आपका लीफ माइनर है, आपकी बटरफ्लाई है और आपकी फ्रूट सकिंग मोथ है, तो उनका कंट्रोल कैसे दिखते हैं और क्या उनके डैमेजिंग सिम्टम्स हैं, हमने इस छोटी सी 20 मिनट की क्लास में ही कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रूट्स में हम और कोई क्रॉप नहीं करेंगे, यही आपकी तीन मेजर बेसिक क्रॉप्स हैं, सिट्रस, मैंगो एंड बनाना, वो हमने कर लिए हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा अब एंटो को नहीं खींचेंगे,
तो मंडे से हम आपका प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट शुरू करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्लांट, प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या केमिकल्स हैं, कैसे उनका कैटेगराइजेशन होता है, कैसे उनकी एप्लीकेशन की जाती है, निमेटोड्स क्या होते हैं, प्लांट डिजीजेस के बारे में, वो सब पोर्शन अब शुरू होगा आपके प्लांट प्रोटेक्शन के पार्ट में। ठीक है, हालांकि इन्होंने प्लांट डिजीजेस मेंशन नहीं किया हुआ और वो प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है, लेकिन उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन मेंशन कर दिया है और प्रोटेक्शन में आपको डिजीज से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो इसको हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे से हम शुरू करेंगे क्या, प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट। कल इसी समय हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और परसों भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। संडे को आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम नॉट प्रोमोसिंग, बट संडे को आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रीवियस ईयर का आपका एक क्वेश्चन पेपर FCI का सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हम अपनी क्लास को देते हैं विराम, और आपके FCI के क्रैश कोर्स एक बैच आ रहा है। अगर लग रहा है भाई कि प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है, इतनी सी कमी रह गई है, कोई फटाफट रिवाइज करवा दे, पढ़ा दे, नोट्स मिल जाए, एक आधा कोई टॉपिक रह गया है, सो यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स इन सारी कंडीशन में और बाकी आपकी मर्जी की कंडीशंस में। अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 25 नवंबर से आपकी क्लासेस इसमें शुरू हो रही हैं, राइट। फीस क्या है, फीस है 2399 विद कोड Y448 ए, 4+4 8 होते हैं, A4 Agriculture। जब आप ये कोड लगाएंगे आपकी जितने भी फीस है उसका 80% ऑफ हो जाएगा और आपको पे करना है बस इतना 2399। अगर FCI मैनेजर का फॉर्म फिल किया है तो मैनेजर की आपकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, यू कैन एनरोल इन द बैच। दोनों में किया है कॉम्बिनेशन तो आपका कॉम्बिनेशन बैच भी चल रहा है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इसकी है 3599। अगेन कोड सेम है Y448, 4+4 8 होते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है लेट मी टेल यू। सो ओपन कीजिए अपना गूगल महाराज और उसमें टाइप कीजिए Adda247, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें एग्रीकल्चर चूज कीजिए और ऑल कैटेगरीज में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑल कोर्सेज में आपने नीचे किया एग्रीकल्चर को चूज, FCI को चूज किया, FCI को चूज करके FCI AG3 को चूज किया, तो ये आपके सारे कोर्सेज आ गए FCI3 से रिलेटेड। ये सबसे पहले आपको दिख रहा है आपका क्रैश कोर्स, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन आप इनकी पढ़ सकते हैं, कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक किया नई विंडो आएगी, इस नई विंडो में यहाँ पर आप अपना कूपन कोड यूज कर सकते हैं विच इज Y448A और अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फीस विल बी 2399 आपकी फीस होगी। यू विल गेट 80% डिस्काउंट ऑन द कोड Y448A। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी समय बायोटेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।